नमस्कार, मैं नितिशन, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ व नेताजी सुभाष पैलेस के स्टाफ ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो मुंबई की फर्जी पुलिस बनकर छापेमारी किया करती थी और लोगों से धोखाधड़ी कर मोटी रकम वसूल लिया करती थी। ऐसे ही गैंग का भंडाफोड़ करते हुए नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों का एक साथी अभी फरार चल रहा है। वहीं पूरे मामले की जानकारी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की DCP उषा रंगनानी ने दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ और सुभाष प्लेस सब डिविजन की ज्वाइंट टीम्स ने एक बॉलीवुड स्टाइल से इंस्पायर्ड सेंसेशनल रॉबरी के केस को इंसिडेंट के 24 आवर्स में ही सॉल्व किया और इसमें अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लगभग 4.5 लाख रुपए कैश और 2 लाख रुपए अकाउंट में फ्रीज्ड कैश, इसके अलावा 25 मोबाइल फ़ोन्स और एक लैपटॉप की रिकवरी की जा चुकी है। दिनांक 10 अगस्त 2022 को लगभग शाम के 7 बजे कंप्लेनेंट विजय यादव, जो कि एक व्यापारी हैं और वेलनेस सेंटर चलाते हैं जिसमें ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, उनके पास में उनके ऑफिस में 4 लोग आए, एक महिला और 3 पुरुष, जो अपने आप को मुंबई पुलिस का स्टाफ बताते हैं और उसमें से एक ने कहा कि वो इंस्पेक्टर हैं, एक सब इंस्पेक्टर और 2 साथ में स्टाफ असिस्टेंट और लेडी पुलिस, ये साथ में आए इनके और उनको कहा कि आपके खिलाफ़ मुंबई पुलिस से वारंट है और आपको अरेस्ट करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपको अरेस्ट ना करा जाए तो ये वारंट रद्द किया जा सकता है, पर आपको हमको पैसे देने पड़ेंगे। ये सूचना इन्होंने हमें दी। इन्होंने बताया कि इनसे 20 लाख रुपए की डिमांड करी गई गन पॉइंट पर और इनको डराया गया, इनको एक फर्जी वारंट भी दिखाया गया और मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स का, कॉप्स का एक आई कार्ड भी दिखाया। से इतनी जल्दी 20 लाख रुपए तो अरेंज नहीं कर पाए, पर 6.5 लाख रुपए इन्होंने अरेंज करे अपने जो घर को गिरवी रख के इनकी वाइफ पैसा लेकर आई और इनको दिए और साथ में जो इनके मोबाइल्स थे, इनके ऑफिस में उस समय 4 एम्प्लॉयज़ और थे उनके और साथ में जो व्यापारी थे उनका मोबाइल, 5 ऑफिशियल मोबाइल्स और 5 पर्सनल मोबाइल्स, यानी कि 10 मोबाइल ये लेके चले गए और साथ में उन्होंने उनका एक लैपटॉप भी ले लिया। जाते वक्त इन्होंने घर का ऑफिस का दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया और इनको बंद करके चले गए। बाद में इन्होंने शोर मचाया तो लोगों ने दरवाज़ा खोला और फिर इन्होंने 7 बजे आके पुलिस को इत्तला दी। इस पूरी घटना को इन्होंने पूरे 6 घंटे में अंजाम दिया। ये 12 बजे कंप्लेनेंट के ऑफिस में आए, इनको डराया धमकाया और इनसे 6.25 लाख रुपये की लूट और काफ़ी सामान लेके चले गए। 6 बजे ये लोग यहाँ से निकले। 7 बजे कंप्लेनेंट ने जब हमें इन्फॉर्म करा, हमने इमीडिएटली रॉबरी का मुकदमा दर्ज किया और मौके की सेंसिटिविटी को देखते हुए डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी गई। एक टीम इंस्पेक्टर अमित के अंडर में, स्पेशल स्टाफ की टीम, एक टीम इंस्पेक्टर परमजीत के अंडर में ATS की टीम और 2 टीम्स ACP सुभाष प्लेस के अंडर में, थाना सुभाष प्लेस की, इंस्पेक्टर राजेश SHO सुभाष प्लेस और इंस्पेक्टर वीरेंद्र इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मौर्य एन्क्लेव की टीम बनाई गई। इस पूरे जो ऑपरेशन का सुपरविजन ACP ऑपरेशन और ACP सुभाष प्लेस ने किया, मेरे पूरे क्लोज सुपरविजन के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को किया गया। ब्लाइंड था ये केस, कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा था। टीम्स ने इमीडिएटली CCTV फुटेज खंगाली। जब CCTV फुटेज देखी तो इन्होंने ये पाया कि 4 लोग, जिसमें से 1 महिला और 3 पुरुष, इनके ऑफिस में एंटर कर रहे हैं। सिविल कपड़ों में थे, वर्दी में नहीं थे, तो डाउट भी हुआ और वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि वो जो वारंट था वो छोड़ के चले गए थे, फर्जी वारंट। इसी से कंप्लेनेंट को शक हुआ कि यह असली पुलिस नहीं है और नकली पुलिस है। फर्दर और CCTV फुटेजेस जब खंगाली गई तो 4 सस्पेक्ट नीचे दिखे बिल्डिंग के बाहर, तो डाउट हुआ कि ये 4 लोगों का काम नहीं है, इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। फ़ोन्स लेके गए थे, जिन फ़ोन से कॉल्स करी गई थी उनको सर्वेलेंस पे रखा। टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस के बेस पे बहुत ही अर्ली ब्रेक मिला और 24 घंटे के अंदर हमने एक अक्यूज्ड प्रशांत पाटिल, जो लिबासपुर के रहने वाले हैं, उनको अप्रिहेंड किया।
उनकी सस्टेन इंटरोगेशन करी गई। इस सस्टेन इंटरोगेशन में उन्होंने ये बताया कि वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन में जयपुर में पोस्टेड हैं और अंडर सस्पेंशन है, जेई के पद पे हैं। इन्होंने ये बताया कि ये पहले एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स करते थे। इसमें भोपाल पुलिस ने इनको अरेस्ट करा था। जनवरी में ये अरेस्ट हुए थे और भोपाल में जेल में थे। वहाँ पे उनकी दोस्ती कुछ क्रिमिनल एलिमेंट से हो गई, जो ईरानी गैंग के मेंबर्स थे, जो इसी तरह का काम करते थे कि अपने आप को नकली पुलिस वाला इम्पोज करके लोगों को लूटने का काम करते थे। जब इनकी दोस्ती हुई तो इनकी ये बातचीत हुई कि दिल्ली में NSP एक कमर्शियल हब है और यहाँ पे काफ़ी बिजनेसमैन हैं, काफ़ी बड़े लेवल का व्यापार चलता है, क्यों ना इनको लूटा जाए और हम लोग अलग अलग स्टेट्स की पुलिस बनके इनको लूटने का काम करेंगे। ये प्लानिंग इन्होंने वहाँ पे करी। जब ये छूट के मार्च में यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने एक दोस्त जाहिद उसको कॉन्टेक्ट करा, जो पटेल नगर में एक बाबा का काम करते हैं, झाड़ फूस का काम करते हैं और ताबीज़ बनाते हैं। ये सेल्फ स्टाइल्ड स्पिरिचुअल गुरु हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनके साथ इन्होंने प्लानिंग करी। फिर इन्होंने अपने जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, जो भोपाल में थे और विदिशा मध्य प्रदेश में थे, उनको भी बुलाया। उन्होंने वो दिल्ली आए और यहाँ पे इन्होंने ये प्लान किया। घटना को रियलिस्टिक रूप देने के लिए, कि किसी को शक न हो कि ये नकली पुलिस हो सकते हैं, इन्होंने दो फीमेल्स को भी शामिल करा अपने साथ में। ये सारा हमें प्रशांत की सस्टेन इंटरोगेशन के दौरान पता पड़ा। मामला बहुत गंभीर पाया गया कि इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और टीम्स को शामिल करा गया और डिफरेंट एरियाज़ में रेड भी करी गई और टेक्निकल सर्विलेंस के बेस पे फर्दर क्लूज आइडेंटिफाई करे गए। इन्होंने ये बताया कि इसमें जो दो लड़कियाँ जो शामिल हैं, उसमें से एक प्रशांत की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम नेहा है, और वो एक कंप्यूटर एलियास साइबर एक्सपर्ट है और फेक आईडी कार्ड्स बनाना, फेक कॉल्स करने में शी इज़ एन एक्सपर्ट। तो उन्होंने उसको अपने साथ शामिल करा और साथ में नेहा की एक फ्रेंड ज्योति, उसको भी उन्होंने शामिल करा ताकि वो नकली लेडी पुलिस का रोल अदा कर सके। प्रशांत पाटिल इसमें मास्टरमाइंड है और ये पहले एक वारदात में शामिल हो चुका है भोपाल का, जो फर्जी कॉल सेंटर, जैसा मैंने आपको बताया 2022 में ये भोपाल के एक चीटिंग के केस में शामिल रहे थे और लगभग 3 महीने भोपाल जेल में रहकर आए हैं। वहीं पर इनकी दोस्ती इन क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ हुई और जो उन्होंने फिर इनके साथ में ये साजिश रची, अपने साथ में जाहिद को बुलाया। तो दो मेन मास्टरमाइंड है, जाहिद जो स्पिरिचुअल गुरु, सेल्फ स्टाइल स्पिरिचुअल गुरु हैं, और प्रशांत पाटिल। जैसा पता पड़ा कि इसमें से एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जो वहाँ पे भोपाल पुलिस में थे, माजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अभी ये फरार हैं, उनकी डिटेल्स अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने बताया कि आजकल लोग मूवीज़ देखते हैं तो स्पेशल 26 उन्होंने देखी थी, नकली रेड्स किस तरह करी जाती है, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये रेड, नकली रेड करी। मैम, जिस कंपनी को टारगेट किया उस कंपनी की डिटेल्स हाँ, मैंने आपको बताया कि प्रशांत पाटिल पहले से ही वहाँ पे एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे, तो इस वजह से वो कंप्लेनेंट को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और जो जाहिद, जो सेल्फ स्टाइल गुरु हैं, जो झाड़ फूक का काम करते थे और तावीज़ देते थे, उनके पास इनके एम्प्लॉयज़ और जो कंप्लेनेंट आशीर्वाद लेने के लिए जाते रहते थे, तो इसीलिए फेमिलियर थे और इसीलिए इन्होंने इतनी सर्टेनिटी के साथ रेड करी। ऐसा इन्होंने बताया है कि पहले इन्होंने कोशिश करी है पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, पर फर्दर इंटरोगेशन जारी है और उसमें फर्दर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा।